हाय फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग स्पेशल केयर वन सेल्फ और मैं हूं आपकी दोस्त शीशा। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं एक नारियल तेल का रामबाण नुस्खा, जो आपके स्किन का रिंकल को मिटाएगा, आपके स्किन को ग्लोइंग स्किन दिलाएगा, आपके स्किन को टाइट बनाएगा, आपके स्किन में किसी भी किस्म का दाग धब्बे को रिमूव करने में हेल्प करेगा। बहुत ही सहज, बहुत ही ईजी नुस्खा है ये। इसे बनाना भी बहुत ईजी है और इसके लिए मैं जो भी यूज़ करूँगी सब कुछ आपको अपने किचन रूम में मिल जाता है। और फ्रेंड्स, ये बहुत 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 असरदार होता है। तो एक बार चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है, कैसे लगाया जाता है। मैं शुरू से लेकर अंत तक आप अच्छे से देखना, मैं फुल डिटेल्स में बताऊंगी इसका क्या फ़ायदा है और ये सब कैसे काम करेगा आपकी स्किन में और इसे कैसे आपको इस्तेमाल करना है। तो कोई भी पार्ट को मिस मत करना, अच्छे से देखना और उसके बाद इसे इस्तेमाल करना। फ्रेंड्स, इसे जब आप लगाते हो तो ये ज़्यादातर आप दिन में कोई भी टाइम आप लगा सकते हो, पर इसे लगा कर आपको धूप में नहीं जाना है और इसे आप सनलाइट जहाँ नहीं है यानी घर पे आप इसे लगा के रह सकते हो या रात को सोने जाने के टाइम भी इसे लगा सकते हो। इसका लगाने का प्रोसेस भी बहुत सहज है और फ्रेंड्स, इसको ये एक घंटे में काम करता है। यानी एक घंटा आप लगा लिए तो एक घंटे बाद आप अपने फेस को धो के एकदम आप जो ऐसा रिजल्ट चाहते हो रिजल्ट इंस्टेंटली ये दिलाता है। और इसे आप कंटिन्यू करते हो तो फ्रेंड्स आप एवरग्रीन बने रहते हो, क्योंकि आपकी स्किन में कभी भी रिंकल नहीं आता है, रिंकल फुल रिमूव हो जाता है और फ्यूचर में भी नहीं आता है। उसके साथ आपके स्किन हर वक्त ग्लो करते हैं, स्किन का दाग धब्बा मिट जाता है, दाग धब्बे होने नहीं देता ये। और फ्रेंड्स, ये आपकी स्किन को टाइट बना के रखता है। तो इतना असरदार है और बनाना भी इजी है और लगाना भी इजी है। तो कोई भी इसे बना सकते हो और ये कोई भी अप्लाई भी कर सकते हो, मैन एंड वुमेन हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे नारियल तेल को इस्तेमाल कर रही हूँ, ये नारियल तेल से ये टिप्स बन रहा है। पर बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड हैं जो लोग नारियल तेल इस्तेमाल करना नहीं चाहते। तो फ्रेंड्स, आपके स्किन में जो भी सूट करता है, जो भी तेल, उसे आप नारियल तेल की जगह पे यूज़ कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है और कैसे इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, देखने से पहले वीडियो को एक लाइक करो प्लीज़, क्योंकि आप लाइक करोगे तो मुझे और भी इंप्रूव मिलेगा और ऐसा अच्छा अच्छा ब्यूटी टिप्स आपके लिए मैं लाती जाऊंगी। तो प्लीज़ 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 एक लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके साथ बेल बटन को भी क्लिक करो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए पहले मैं जो ले रही हूँ वो है फ्रेंड्स, पहले ले रही हूँ ग्रीन टी। एक चम्मच मैं ग्रीन टी इसमें जोड़ूंगी। ग्रीन टी जैसे हम लोग बना के पीते हैं ऐसे आप बना ले और उसके बाद ठंडा होने के बाद एक चम्मच ग्रीन टी इसमें जोड़े। ग्रीन टी में बहुत मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट रहता है जो आपकी स्किन को रिजुवेनेट करेगा, आपकी स्किन को फिर से जवान बनाएगा, रिंकल फ्री ग्लोइंग स्किन दिलाएगा, दाग धब्बे को मिटाएगा। और नेक्स्ट मैं इसके साथ जोड़ूंगी एक चम्मच अनार का जूस। फ्रेंड्स, अनार का जूस भी स्किन को रिजुवेनेट करने में, स्किन को ग्लोइंग स्किन दिलाने में, रिंकल को रिमूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें भी बहुत मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट रहता है और भी बहुत सारा चीज़ रहता है जो आपकी स्किन को फिर से जवान बनाने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसके साथ मैं जोड़ूंगी काले अंगूर का रस, यानी ब्लैक ग्रेप्स का जूस दो चम्मच। फ्रेंड्स, ब्लैक ग्रेप्स बहुत अच्छा रहता है स्किन का दाग धब्बे को मिटाने के लिए, स्किन को ग्लोइंग स्किन और रिंकल फ्री स्किन और टाइट स्किन बनाने के लिए, यानी जवान बनाने के लिए।
और इसके बाद फ्रेंड्स आपको जोड़ना है नारियल का तेल जो इस डिश का मेन इंग्रेडिएंट है। तो आपको लेना है 1 चम्मच नारियल का तेल। और इसको इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। पर मिक्स करने से पहले और एक चीज आप जोड़ सकते हो, वो है फ्रेंड्स लेमन का जूस। लेमन का जूस जिनके स्किन में सूट करता है वो तो फ्रेंड्स उनके लिए तो फ्रेंड्स रामबन दवाई का काम करता है, क्योंकि लेमन का जूस फ्रेंड्स स्किन को ब्लीच करता है, स्किन का दाग धब्बे को मिटाता है। तो जिनके फेस में बहुत ज़्यादा दाग धब्बा है और लेमन जिनको सूट करता है वो इसमें 5 बूंद लेमन का जूस जरूर जोड़े, और जिनको सूट नहीं करता है या कोई दाग धब्बे नहीं है वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर ले, और मिक्स करने के बाद इसे आप स्टोर कर सकते हो। इसे आप 1 हफ्ते के लिए अपने फ्रिज में स्टोर कर लो, पर जब भी आप लगाओगे तब देखो कि नारियल का जो तेल है वो जम जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो क्योंकि आप फ्रिज में से रख रहे हो तो ठंडा हो जाएगा, तो आप पहले जब भी फेस में लगाओगे पहले अपने फेस को धो लो, और इसमें से थोड़ा बहुत 1 चम्मच से आधा चम्मच जिनको जैसा लगे ले लो हाथ के हथेली में। हथेली में लेते ही आप देखोगे आपके ऑयल पिघलने लगा है, गर्म हो जाएगा। और उसके बाद हाथ में इसे अच्छे से रगड़ो, रब करो, हाथ में लेके अच्छे से रगड़ के फिर अपने फुल फेस में इसे लगाओ। यानी हाथ में रब करने से क्या होगा फ्रेंड्स, आपके जो कोकोनट ऑयल थे फ्रीज में वो पिघल जाएगा। और उसके बाद अपने फेस में इसे अच्छे से लगाओ, फुल फेस में, आंखों के चार होठ में, नेक में भी लगा सकते हो। और इसे लगा के 1 घंटा रखो, और उसके बाद नॉर्मल पानी से धो लो। फ्रेंड्स इसे आप रात भर भी रख सकते हो, रात को सोने जाने से पहले इसे लगाते हो तो रात भर रखो और उसके बाद धो लो। तो फ्रेंड्स जब भी आप धोगे, धोने के तुरंत बाद आप देखोगे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं, आपकी स्किन टाइट बन चुके हैं, रिंकल कम लग रहा है, दाग धब्बे भी कम लगेंगे। तो फ्रेंड्स और इसे आप कंटिन्यू करते जाओगे तो फ्रेंड्स आपकी स्किन में जो भी एज बढ़ने का लक्षण है वो धीरे धीरे रिड्यूस होते जाएगा और आप फिर से जवान बन जाओगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का टिप्स, अच्छा लगा। और तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ ये सभी के लिए बहुत ही फायदेदायक टिप्स होगा। तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर रिटर्न आऊँगी अच्छा से ब्यूटी टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।